दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। देखिए साहब, अभी महामारी चल रही है कोविड-19 की, और उसके अंदर जो भी छोटे कर्मचारी है, चाहे किसी भी वर्ग का हो, और तत्परता से वो काम कर रहा है, अपनी जान जोखिम में डाल के। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो वो जाके अपनी डिमांड रख रहे हैं, किसी तरीके की फाइनेंस की डिमांड नहीं है, कुछ नहीं है, केवल इतना सा है कि रोटेशन में ड्यूटी लगाई है, और अधिकारी ने उनके ऊपर दोषारोपण करके, क्यों उनके अधिकार क्षेत्र में, अधिकारी के पास कलम होती है, अधिकारी के पास सील होती है, अधिकारी के पास ऑफिस होता है, इसलिए हम जो FIR इन्होंने जो जिला शिक्षा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने कराई है, वो सरासर गलत कराई है। आप देखिए व्यवधान कब पड़ता है, व्यवधान तो वो जिला शिक्षा अधिकारी खुद डाल रहे हैं। राजस्थान सरकार हमारे कर्मचारियों को योद्धा कह रही है, और वो बेचारे जाके अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, और इस तरीके से शिक्षा मंत्री उनके कार्य में, राज्य सरकार के कार्य में अडल पैदा कर रहा। हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, और ये मांग करी है CM साहब से, अशोक गहलोत साहब से, व्यक्तिगत तौर पर शिक्षा मंत्री डोटासर से, कि ऐसे देवी जो कछावा जी यहाँ जो जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी है, उसको तत्काल APO करके उसको बाहर भेजा जाए। कांति शर्मा, जिलाध्यक्ष, संयुक्त कर्मचारी महासंघ, अजमेर। अभी कोविड-19 में हमारे जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उनकी पूरे शहर में अलग अलग तरह की ड्यूटी लगने का काम हुआ है, और पिछले 50 दिनों से लगातार वो बिना ब्रेक के ड्यूटी करने का काम कर रहे हैं। कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जिनका एक भी दिन ड्यूटी नहीं लगी। इस बात को लेकर के हमारे शिक्षक संघ सियाराम के साथियों ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को निवेदन किया कि शिक्षकों की ड्यूटी में रोटेशन किया जाना चाहिए, जिनकी ड्यूटी अभी तक नहीं लगी है उन्हें ड्यूटी लगा करके, जो लगातार 50 दिनों से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उनको विश्राम मिलना चाहिए, ब्रेक मिलना चाहिए, होम क्वारंटाइन करवाया जाना चाहिए। इस जायज डिमांड को बिना सुने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने उनके खिलाफ राजकार्य में बाधा का एक निराधार आरोप लगाने का काम किया है, FIR दर्ज कराने का काम किया है। इससे तमाम शिक्षक वर्ग के साथ साथ अजमेर के तमाम कर्मचारी वर्ग में आक्रोश है, और आज संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति के तत्वावधान में हमारे साथियों की तरफ से जिलाधीश महोदय को हमने निवेदन करने का काम किया है कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने जो ये गलत FIR दर्ज कराई है, उसे विड्रॉ करने का काम करवाया जाए, और एक निष्पक्ष जांच करा करके, और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के ऊपर कोई एक विभागीय जांच करवा करके कार्रवाई करवाने का कार्य किया जाए। मोहन चेलानी, मंडल अध्यक्ष, संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति, अजमेर।